दोस्तों, भारत और चीन के बीच हुई गलवान घाटी की झड़प के बाद भारत ने चीन को काफी ज्यादा बड़ा झटका दे दिया है। तो आपको बता दें कि चीन को अब तक भारत ने कौन कौन सा झटका दिया और इसकी लिस्ट काफी लंबी है। तो आपको बता दें कि उनके खिलाफ काफी तेजी से एक्शन जारी है। चीन के खिलाफ सैन्य स्तर की बातचीत के साथ साथ चीन को रणनीतिक रूप से घेरने की लगातार कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा भारत ने चीन पर इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दिया है। आपको बता कि मोदी सरकार ने चाइनीज 59 चाइनीज ऐप को तो बैन कर चुके हैं, पर उसके साथ साथ काफी बड़े बड़े कदम उठाए। तो आपको कुछ बताते हैं, तो आपको बता दें कि हाईवे प्रोजेक्ट में चाइनीज कंपनी की एंट्री बैन हो गई। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हाईवे प्रोजेक्ट में चाइनीज एंट्री बंद की जाएगी। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर में भी आने वाले नियोसे पर कड़ी नजर रखी जाएगी। वहीं पर चीन को तो कुछ नहीं हुआ रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वर्तमान में कोई चाइनीज कंपनी जॉइंट वेंचर में भारतीय हाईवे प्रोजेक्ट में घुसी तो टेंडर कैंसिल कर नया टेंडर जारी किया जाएगा। उसके बाद हमारे दूसरे झटका दे हीरो कंपनी ने। तो आपको बता दें कि हीरो साइकिल ने 900 करोड़ का झटका दिया। हीरो साइकिल ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए 900 करोड़ रुपए का चीन से व्यापार रद्द कर दिया। यह व्यापार अगले 3 महीने में किया जाना था। आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए कंपनी लुधियाना में साइकिल के पुर्जे बनाने वाली छोटी कंपनियों के मदद के लिए आगे बढ़े और उन्हें खुद में मर्ज का ऑफर दे दिया। तो आपको बता दें कि तीसरा झटका दिया जेएसडब्ल्यू ग्रुप के 3000 करोड़ का झटका दिया। तो आपको बता दें कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप के सहयोगी कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ जिल्लत ने कहा कि उनकी कंपनी हर साल चीन से 3000 करोड़ का आयात करती थी। वह अगले 2 सालों से इसे घटाकर 0 पर ले जाएंगे। उन्होंने बॉयकॉट चाइना के साथ ट्वीट किया और कहा, चीन के सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों पर अकारण किए गए हमला आग खोलने वाले और स्पष्ट कार्रवाई की जाएगी। के साथ साथ हम आपको बता दें कि यूपी में भी काफी बड़ा फैसला हुआ। कानपुर आगरा मेट्रो के लिए चाइनीज कंपनी रिजेक्ट हो गई। उत्तर प्रदेश रेल कॉरपोरेशन मतलब यूपीएमआरसी ने तकनीकी खामियों के चलते कानपुर आगरा मेट्रो के लिए चीनी कंपनी के टेंडर को रिजेक्ट कर दिया। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कानपुर और आगरा मेट्रो के हेतु मेट्रो ट्रेनों की आपूर्ति परीक्षण और चालू रखने के साथ साथ ट्रेन कंट्रोलिंग और सिग्नलिंग सिस्टम का ठेका बॉम्बेडियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया। उसके बाद सबसे बड़ा झटका बीएसएनएल ने दिया। तो आपको बता दें कि बीएसएनएल और एमटीएनएल ने कुछ दिन पहले सरकार से कहा था कि वह 4G अपग्रेड में चीनी इक्विपमेंट का इस्तेमाल न करे। बीएसएनएल की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई है। बीएसएनएल ने 23 मार्च 2020 को जारी टेंडर वापस ले लिया और यह टेंडर को फ्लोट कर दिया। तो उसके बाद आपको बता दें कि रेलवे ने थर्मल कैमरे को भी टेंडर कैंसिल कर दिया। इसके अलावा रेलवे ने थर्मल कैमरा खरीदने के लिए को रद्द कर दिया। विभिन्न विक्रेताओं से मिले प्रतिक्रिया के बाद यह कदम उठाएगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर भी उनके पानी फेर दिया। तो चीन को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा झटका दिया। वहां उधर सरकार ने चीनी कंपनियों के साथ साइन 3 एग्रीमेंट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये 3 प्रोजेक्ट करीब 5000 करोड़ के थे। इन्हें हाल में ही मैनेजिंग महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर समिट में साइन करना था। तो उसके बाद आपको बता दें कि 471 करोड़ का रेलवे का भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो आपको बता दें कि गलवान में झड़प के बाद तुरंत रेलवे ने चीनी कंपनियों का ठेका रद्द कर दिया। यह प्रोजेक्ट करीब 471 करोड़ का था। यह चीनी कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूशन के पास था। इसमें कानपुर और मुगल सराय के बीच 471 किलोमीटर लंबे खंडों पर सिग्नल और दूरसंचार का काम होने वाला था। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देख के आपको मालूम चल गया रहेगा कि भारत ने 59 ऐप बैन करके ही नहीं झटका दिया, उसके साथ साथ काफ़ी और बड़े बड़े फैसले उठा के चीन की कंपनियों को झटका दिया। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।